नेशनल हाईवे पर लगेंगे स्पाइक बैरियर, गलत दिशा में आगे जाते ही टायर पंक्चर कर गाड़ी को रोक देंगे। नया प्रयोग सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सख्ती, शुरुआत मेट्रो शहरों के हाईवे से होगी। देश के नेशनल हाईवे NH पर औसतन हर 3 दिन में रोंग साइड से आने जाने वाले वाहनों के कारण एक दुर्घटना होती है। खासकर कोहरे के वक्त ऐसे हादसों में कई जाने भी जाती हैं। इन्हें रोकने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय नेशनल हाईवे पर स्पाइक बैरियर लगाए जा रहे हैं। मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक शुरुआत मेट्रो शहरों से गुजरने वाले NH से होगी। इन बैरियर को लगाने पर खर्च आने वाला 50% पैसा रोंग साइड से आने वालों से वसूलने, जुर्माने से निकालने की तैयारी है। सही दिशा में है तो टायर आते ही कीले नीचे मुड़ जाएंगी। इसमें लोहे की फ्रेम में ठोस स्टील की बड़ी कीले लगाई जाती हैं। दोस्तों, जब सही दिशा में आ रही गाड़ी इससे गुजरती है तो कील टायर के नीचे दब जाती है और गाड़ी बिना किसी नुकसान के आगे गुजर जाती है। जबकि गाड़ी यदि गलत दिशा से आकर चढ़ती है तो कीले नीचे नहीं दबती और टायर पंक्चर कर देती है, इससे तुरंत गाड़ी रुक जाती है। दो टोल के बीच दो बैरियर। ज़्यादातर स्पाइक बैरियर दो टोल प्लाजा के बीच उन जगहों पर लगाए जाएंगे जहां रोड पर कट पॉइंट हो। दो टोल के बीच दो स्पाइक बैरियर लगाए जाएंगे। गाड़ी पंक्चर होते ही ड्राइवर का चालान मौके पर ही काटा जाएगा। ऐसे हादसों से 5 साल में 43,000 जाने गई। देश में गलत दिशा में गाड़ी चलाने से सड़क हादसों का दूसरा बड़ा कारण है। 2017 से 2021 तक इन हादसों में 43,000 लोग जान गंवा चुके हैं। अकेले 2021 में इस वजह से 20,351 मौतें हुई हैं।